हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन का ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, आज हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन पर, यानी सामूहिक चर्चा पर। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन? यानी प्रत्येक व्यवसाय की सफलता में प्रभावपूर्ण संचार काफ़ी महत्व है। व्यावसायिक प्रबंध की सफलता भी संचार की क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई है। एक व्यवसाय प्रबंधक को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, उनमें से एक है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस वर्ड को समझना होगा कि ग्रुप होता क्या है। ठीक है, क्या होता है ग्रुप, आइए वो देख लेते हैं। अ ग्रुप मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु कंप्लीट वर्क टूगेदर। जो दो लोग, दो या दो से अधिक लोग आपस साथ में मिलकर एक ही काम को कंप्लीट करते हैं, वो हमारा ग्रुप होता है। इन अ ग्रुप अ वर्क कैन बी डन ओनली व्हेन द वर्क इज रिलेटेड, यानी कि जब सामूहिक कार्यों में समूह के अंतर्गत किसी कार्य को तभी संपन्न किया जाता है जब दो व्यक्ति के उद्देश्य कार्य से संबंधित हो। ठीक है, यहाँ पर समूह से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह से हैं, जो कि आपस में मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। समूह के अंतर्गत किसी भी कार्य को तभी संपन्न किया जा सकता है जब दो व्यक्तियों के उद्देश्य कार्य से संबंधित हो। केवल तभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मेल को समूह कहा जा सकता है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप का मतलब ये है कि जब दो लोग, जब टू पीपल अगर आपस में एक साथ एक ही काम को कर रहे हैं और उनका जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम है, तो वो हमारा क्या होगा, ग्रुप। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप। फिर आगे क्या दे रखा है, देखिए, कम्युनिकेशन इन अ ग्रुप कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू अ ग्रुप डायनामिक्स, यानी कि समूह के अंतर्गत संचार को केवल समूह ज्ञातत्मकता की सहायता से ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अब ये ग्रुप डायनेमिक होता क्या है वो देख लेते हैं। अंडर ग्रुप डायनेमिक देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस वर्क डन बाय टू पीपल एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि समूह ज्ञातत्मकता के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों और संबंधों का समझने की प्रक्रिया है। यानी क्योंकि जब इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी बात एक दूसरे व्यक्ति के सम्मुख रखता है, तो यह बात दूसरे व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष में होने पर निर्भर करती है। समूह के अंतर्गत मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन भी हम यूज कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो यूज इन दिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रुप को हमने किन किन पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फॉर्मल ग्रुप, यानी औपचारिक समूह। फिर सेकेंड है हमारा इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप यानी अनौपचारिक ग्रुप, ये हमने जो हमारे ग्रुप्स है उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ग्रुप्स को हमने कितने टाइप में बांट रखा है। ठीक है, ये हुए हमारे दो। फिर नेक्स्ट थर्ड आता है प्राइमरी ग्रुप यानी प्राथमिक समूह। प्राइमरी ग्रुप यानी प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, और लास्ट है हमारा सेकेंडरी यानी सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह। ठीक है, ये है हमारा क्लासिफिकेशन द्वितीयक समूह। क्लियर है यहां तक? अब हम इनको एक एक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मल ग्रुप। कौन सा लेते हैं सबसे पहले?
फॉर्मल ग्रुप होता क्या है, एक एक थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पीपल रिलेटेड टू द सेम वर्क आर कॉल्ड अ फॉर्मल ग्रुप। क्या होता है देखिएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। पीपल, अगर हम सेम वर्क से, अगर एक जैसे काम के लिए अगर हम साथ में ग्रुप बने हैं तो वो हमारा क्या होगा, फॉर्मल ग्रुप। यानी हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है ना कि फॉर्मल ग्रुप यानी कि जहाँ पर पद और पोजीशन के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाता है। तो फॉर्मल ग्रुप भी वैसा ही होता है कि जब आपका कोई भी ऐसा विशेष कार्य से संबंधित व्यक्तियों का औपचारिक समूह, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप ही काम के लिए बना है उसको हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मल ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है, नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब होता है अनौपचारिक समूह, ठीक है। अब ये क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। ये कहता है कि पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट कम अंडर एन इनफॉर्मल ग्रुप। पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट इंटरेस्ट कम अंडर एन इनफॉर्मल ग्रुप। जो एक जैसी रुचि रखते हैं, जरूरी नहीं है कि उन लोगों का काम एक जैसा हो, सिर्फ आपकी रुचि एक जैसी है तो वो इनफॉर्मल के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइमरी ग्रुप। क्या कहता है प्राइमरी ग्रुप वो हम देख लेते हैं। देखिए, प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है प्राइमरी who get together to do common work, जो समान कार्य करते हैं वो हमारे प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं। क्लियर है? कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी ग्रुप, यानी द्वितीयक समूह। ये क्या कहता है चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कहता है कि पीपल हु डू various work are referred to as secondary group. ठीक है, इट इज अ नॉर्मली बिग साइज। ठीक है, क्या होता है द्वितीयक समूह, यानी कि द्वितीयक समूह विभिन्न सदस्यों के बीच में कार्य करने वालों से, एक सेकेंड सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये होता है आपका द्वितीयक समूह। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं हमारा कि सबसे पहला कौन सा था हमारा, फॉर्मल ग्रुप। पीपल रिलेटेड टू द सेम वर्क आर कॉल्ड फॉर्मल ग्रुप। एंड इनफॉर्मल ग्रुप पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट कम अंडर एन इनफॉर्मल ग्रुप। फिर है हमारा प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी हु गेट टुगेदर टू डू कॉमन वर्क आर कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप। एंड सेकेंडरी ग्रुप, पीपल हु डू वेरियस वर्क आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी ग्रुप। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं कि हमारा जो भी ग्रुप है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ग्रुप की हो सकती है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं को देख लेते हैं कि ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। ठीक है, विशेषताएं हिंदी में भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा मेक मेंबर मीट। सबसे जो पहली विशेषता है वो क्या है, मेक मेंबर्स मीट। मेक मेंबर्स मीट, ठीक है। ये क्या कहती है कि समूह के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों को आपस में मिलाकर सामूहिक प्रयत्न किए जाते हैं, दो लोगों को मिलाकर एफर्ट्स लगवाए जाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड है, नेक्स्ट है हमारा एम। हमारा लक्ष्य क्या है कि समूह केवल उसे कह सकते हैं जिसके कुछ निर्धारित एम यानी लक्ष्य हो और उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोग आपस में काम करते हो। फिर थर्ड है हमारा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे व्यक्ति जो हमारे सदस्य है ग्रुप के उनका विकास। समूह को अपनाने से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचार विमर्श करता है तथा दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रभावित होकर व्यक्तियों का विकास जिससे पॉसिबल है। फिर है स्पिरिट ऑफ चेंजेस, स्पिरिट ऑफ चेंजेस यानी के सदस्य जो भी परिवर्तन है, परिवर्तन की भावना लाना, समूह में विचार विमर्श करने के पश्चात व्यक्तियों में परिवर्तन के प्रति भावना जाग जाती है कि हमको स्पिरिट आ जाती है चेंजेस के लिए। फिर है नेक्स्ट, इधर ही लिख देते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारी दे रखी है वॉलंटरी मेंबरशिप यानी ऐच्छिक सदस्यता। वॉलंटरी मेंबरशिप के ग्रुप में किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, कि समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह किस समूह की सदस्यता को स्वीकार करता है और किसकी नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ग्रुप, ग्रुप का आकार कितना है, क्या साइज है उसका, यानी कि समूह का आकार संगठन की अपेक्षा छोटा होता है। प्राय सदस्यों की संख्या, ग्रुप में कितने लोग होते हैं, कम से कम दो तो होते ही है, 2, 10 या फिर आप कह सकते हो 15 या 2 to 25, इस तरह के ग्रुप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल लीडरशिप, अनौपचारिक नेतृत्व, इनफॉर्मल लीडरशिप। ये क्या कहता है कि समूह में अनौपचारिक प्रबंध होता है न कि औपचारिक, यानी कि जो भी ग्रुप बना है उसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब कि जिसे इंटरेस्ट अगर आपका सेम है, आपका कस्टम सेम है, कल्चर सेम है, आप एक दूसरे से बात करने में कंफर्टेबल हो, तो वो कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनफॉर्मल। तो अगर एक ग्रुप में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पर एक व्यक्ति जो होता है वो लीडर तो होता ही है, जिसके जिसका जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, वो इतना इफेक्टिव होता है कि दूसरों को इजीली कन्विंस कर सकता है। फिर है कॉमन थिंकिंग, ग्रुप में वही लोग शामिल होते हैं जिनकी सेम जो विचारधारा है, जो थिंकिंग है वो सिमिलर हो। ठीक है, यानी कि एक समान विचारधारा, समूह सदस्यों की एक समान विचारधारा होती है जो उनके मूल्यों और प्रतिमानों को एक समान बनाए रखने में सिद्ध साबित होती है। फिर नेक्स्ट है हमारी स्टैंडर्ड एंड आइडल रूल, स्टैंडर्ड एंड आइडियल रूल।
यानी ये कहता है कि समूह के सदस्यों के कुछ निर्धारित मानक यानी स्टैंडर्ड होने चाहिए, उन्हें गेन करने के लिए ग्रुपली हमको क्या करना है, एफर्ट्स लगाने होते हैं, और उनके व्यवहारों पर कुछ आदर्श नियमों का नियंत्रण होना भी बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कुछ आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर है हमारी सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर ये क्या कहता है बात कर लेते हैं, यानी कि सामाजिक संरचना। अन्य संगठनों की तरह समूह की भी निश्चित संरचना होती है जिसमें सदस्यों की स्थिति निश्चित एवं स्पष्ट होती है। फिर दे रखा है नेक्स्ट फंक्शनल वर्क, कार्यात्मक कार्य। एक सेकेंड, फंक्शनल वर्क क्लियर है। ये क्या कहता है कि समूह के सभी सदस्य पूर्व निर्धारित अपना अपना कार्य करते हैं जिससे समूह का संगठन बना रहता है। फिर नेक्स्ट है बेसिस ऑफ रिलेशन, संबंधों के आधार पर। संबंधों का आधार क्या है कि संबंधों का आधार एक परिवार, लिंग, वंश, धर्म या व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। कि यहाँ पर ग्रुप कैसे बनते हैं कि जो भी ग्रुप बनते हैं वो किसी या तो कल्चर से सेम होंगे, या वो लोग आपस में बात करने में कंफर्टेबल होंगे, या फिर उनका जेंडर, उनका धर्म, उनका बिजनेस वो सिमिलर होगा, तो इन्हीं से जुड़े हुए लोगों का आपस में एक ग्रुप बनता है। फिर बेसिस ऑफ, ये हो गया बेसिस ऑफ रिलेशन। फिर है कॉमन इंटरेस्ट, ये हमारी आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, यानी समान रुचि के सभी सदस्यों का सामान्य एक हित होता है जिसे प्राप्त करने के लिए वे सभी मिलकर एक निश्चित दिशा में कार्य करते हैं। तो यहां पर हमने ये देखा कि हमारे जो भी, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी यहां पर दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है टू मेक अ मेंबर मीट। फिर है एम्स होने चाहिए तभी जाकर एक ग्रुप बन सकता है। फिर है डेवलपमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। फिर है स्पिरिट ऑफ चेंजेस। उसके बाद हमारे दे रखे हैं वॉलंटियरिंग मेंबरशिप, साइज ऑफ ग्रुप। फिर है इनफॉर्मल लीडरशिप। फिर दे रखा है कॉमन इंटरेस्ट, थिंकिंग एंड स्टैंडर्ड एंड आइडल रूल। एंड लास्ट दे रखा है सोशल स्ट्रक्चर, फिर है फंक्शनल वर्क, फिर है बेसिस ऑफ रिलेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट। तो इस तरह से हम अपने एक ग्रुप की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक स्टार्ट किया है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ग्रुप को समझने की आवश्यकता थी, जो हमने ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा मीनिंग आज देख लेते हैं, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है, ग्रुप डिस्कशन इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कि किसी भी व्यावसायिक संगठन में अनेक व्यक्ति होते हैं, यानी कि एक कंपनी में, एक बिजनेस में सिर्फ क्या एक ही व्यक्ति होता है? नहीं, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वो क्या होगा? ग्रुप। क्लियर है? अगर एक से ज्यादा है तो यानी क्या है, वहां पर ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं। तो जो कि व्यावसायिक संगठन में सामूहिक प्रयत्न करते हैं, क्योंकि व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत संपन्न होने वाली कार्यों में इनकी बड़ी आवश्यकता होती है। कि जहां हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, जहां हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं, वहां पर हमको ग्रुप की, वहां पर लोगों की, वहां पर हमारे जो भी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है हमको। ठीक है, ग्रुप नीड होती है। फिर नेक्स्ट है कि समूह विचार विमर्श से प्राय किसी व्यवसाय की समस्याओं को समझने के लिए उस पर विचार विमर्श किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब समझ आ गया, डिस्कशन का मतलब विचार विमर्श करना, राय लेना किसी की। यानी कि ग्रुप में अगर एक बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आई है,
ठीक है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है अगर बिजनेस में, तो हम उस प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस करके ग्रुप के साथ, हमारे कंपनी के मेंबर्स के साथ, जो भी हमारा ग्रुप बना हुआ है उनके साथ डिस्कस करके, विचार विमर्श करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन के साथ उनको सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो, और बहुत हद तक वो सॉल्व भी हो जाते हैं। क्योंकि हर, यहाँ पर मैंने अभी बोला ना ग्रुप में, देखिए कि ग्रुप में दो या दो से, एक सेकेंड, ये देखिए अभी बोला ना कि टू और मोर देन टू पीपल हु कंप्लीट टुगेदर वर्क, तो कि दो या दो से अधिक लोग आपस में साथ में मिलकर काम करते हैं अगर, तो वो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, तो अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं यानी कि बहुत से लोग हैं हमारे साथ, तो इसलिए हमारा क्या हो सकता है, उस समस्या का हल निकाल सकते हैं हम। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, जिससे इन विभिन्न समस्याओं के हल के लिए सभी व्यक्तियों से विचार विमर्श करके जो बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस है हम उनको चूज कर सकते हैं। विचार विमर्श करने के लिए हम मीटिंग्स बुलाते हैं, और उन मीटिंग्स में हम लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मीटिंग में हम लोगों को अगर बुला रहे हैं, हम अपनी समस्याओं को वहां रख रहे हैं उनके सामने, तो लॉजिक तर्क वितर्क से हमारी क्या हो सकती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं। तो आगे का हम जो इसी के ग्रुप डिस्कशन का आगे का जो पार्ट है